तो क्या जाकर सीएम पंक क्यों नहीं आया आज के डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज में? इसके साथ साथ रोल नंबर 2020 के लिए जो टॉप 5 पिक्स है 30 मैन बैटल रोल के लिए, वो भी ऑलमोस्टली रिवील हो चुकी है। इसके साथ साथ गाइस जो लास्ट अपडेट होगी इस वीडियो की, वो होगी कि ब्रे वायट के फायरफ्लाई फन हाउस में हमें कौन से नए सुपरस्टार देखने को मिलेंगे, यानी कि कौन सा नया कैरेक्टर हमें इमर्ज होते हुए दिखेगा। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। तो वेट इस बात का, चलिए फटाफट इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बात शुरू करते हैं रॉयल रंबल 2020 के अपडेट को लेकर। अब यहाँ पर टॉप 5 पिक्स जो हैं वो बैटिंग ऑर्ड्स के हिसाब से रिवील हो चुकी हैं, यानी कि 30 मैन बैटल रॉयल में कौन से 5 सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि हमें टॉप 5 पिक्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब ऑफिशियली अनाउंस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले 5वें नंबर पर तो हमें देखने को मिल रहे हैं केविन ओवेंस बैटिंग ऑर्ड्स के हिसाब से। 4थे नंबर पर हमें देखने को मिल रहे हैं केन वेलास्केस। नंबर 3 पर फिन बैलर का नाम आ रहा है। नंबर 2 पर द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का नाम आ रहा है। नंबर 1 पर हमें देखने को मिल रहे हैं द बिग डॉग रोमन्स। तो ये बैटिंग ऑर्ड्स के हिसाब से तो मैंने आपके साथ शेयर किया और अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स की रात। तो नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ जाते हैं जो कि सीएम पंक से जुड़ी। अब गाइस सीएम पंक क्यों नहीं आज के डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज में? तो इसके पीछे का मेन रीजन ये है, सीएम पंक को आज बुक नहीं किया गया था। तो पूरी स्टोरी थोड़ा मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या हुआ कि मतलब एक फैन ने सीएम पंक से पूछ लिया आज अपीयर क्यों नहीं हुए फॉक्स के FS1 पे, मतलब यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज में। वहाँ पे सीएम पंक का जो रिप्लाई आता है वो कहते हैं कि फॉक्स ने बुक नहीं किया था इस शो के दौरान। तो कुछ ऐसा ही सीएम पंक का रिप्लाई आता है उसके लेकर। तो इसी मेन कारण था जिस वजह सीएम पंक आज हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज में देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉक्स ने बुक नहीं किया था इस वाले बैक स्टेज शो के लिए। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ जाते हैं जो कि हमारी फाइनल अपडेट इस वाले वीडियो के लिए, जो कि ब्रे वायट के फायरफ्लाई फन हाउस रिलेटेड। अब जैसे कि आपको पता होगा, मतलब आपने सर्वाइवर सीरीज के दौरान ऐड देखी होगी या फिर मंडे नाइट के दौरान एक कमर्शियल आता है जहां पे कि बताया जाता है कि नेक्स्ट स्मैकडाउन में फायरफ्लाई फन हाउस के दौरान हमें एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो अब कौन सा हो सकता है ये कैरेक्टर जिसके सामने जो नाम आ रहे हैं वो है लिव मॉर्गन का। क्या इसके पीछे की स्टोरी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब गाइस आपको पता होगा लास्ट जुलाई या फिर जून में लिव मॉर्गन हमें एक्शन में देखी थी जहां पे कि वो उस मैच को हार चुकी थी और वो कोडी ग्रेव्स के हेडसेट में बोलती हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस आऊंगी तो वो एक नया कैरेक्टर होगा और आप देखोगे एक रियल लिव मॉर्गन को। तो मतलब कुछ ऐसा कहना था लिव मॉर्गन का। उसके बाद अगर आप थोड़ा मतलब यहाँ पे देखो लिव मॉर्गन का ट्विटर अकाउंट, तो वहाँ पे प्रोफाइल फोटो की जगह पे एक ब्लैंक आपको ब्लैक कलर का बोर्ड देखने को मिलता है, मतलब कुछ नहीं रहता वहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आप देखो तो उनके जो ट्वीट्स होते हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टिक हो रहे हैं। तो मतलब ब्रे वायट की तरह उनका भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि लिव मॉर्गन को फायरफ्लाई फन हाउस में इंक्लूड किया जाएगा। और इसके साथ जो मेन सेगमेंट, यानी मेन सेगमेंट की बात करता हूँ, मतलब जो मेन चीज़ यहाँ पे सामने आ रही है वो है कि जो ब्रे वायट का फायरफ्लाई फन हाउस की ड्रेस डिजाइनर है, मतलब जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया ट्विटर पे और वहाँ पे टैग किया ब्रे वायट को और उन्होंने लिखा है लेट हरीन। जो वीडियो है उसमें दिखाया गया है वो एक नई ड्रेस को डिज़ाइन कर रही है और वो एक वुमेंस ड्रेस, और लेट हरीन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कोई लेडीज़ ही होने वाली है। तो मतलब यहाँ पे हमें लिव मॉर्गन के चांसेस सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो मे बी हमें यहाँ पे फायरफ्लाई फन हाउस में लिव मॉर्गन देखने को मिलेंगी नेक्स्ट फायरफ्लाई फन हाउस में। तो आप नीचे कमेंट जरूर करना कि क्या आप लिव मॉर्गन को देखना चाहते हो यहाँ पे। होप करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाली अगली वीडियो में। उससे पहले आपको बताता हूँ नीचे सोशल लिंक्स दी हुई है इंस्टाग्राम और ट्विटर की, तो अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली फ्रेश और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो।